हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक लग्जरी स्किन केयर का प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। ये आपने इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, आप जैसा कि मुझे कैप्शन से भी ये समझ सकते हैं मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे इस प्रोडक्ट का एक सैम्पल रिसीव हुआ था और मैंने वो यूज़ किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे लग्जरी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैंने कामा आयुर्वेदा के भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, फॉरेस्ट एसेंशियल के भी यूज़ किए हैं, सहदेव के भी यूज़ किए हैं। तो ये मुझे बहुत इनके लेवल का लगा, मतलब इनके प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखे अपने स्किन पे, तो मैंने उनकी चीज़ें ऑर्डर की। आप देख सकते हो ये रस स्किन केयर के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो एक मुझे एक छोटा सा इन्होंने वो दिया था, सैम्पल दिया था, मैंने कोई ऐसे कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो इसके साथ मुझे ये रिसीव हुआ था। आप देख सकते हो ये इतना सा यूज़ हुआ है, मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे। इसके साथ मुझे नाइट क्रीम, डे क्रीम, एक छोटा सा किट मिला था, बड़ा ही क्यूट सा पैकेट था। तो मैंने इसका नाइट क्रीम ऑर्डर किया है एंड ये दिस एसेंशियल ऑयल। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, इनकी वेबसाइट से ही मैंने ऑर्डर किया है। उस वक्त बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, बाय वन गेट वन फ्री, और साथ में एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फुल साइज़ कोई प्रोडक्ट भी मिल रहा था। तो ये इस तरह के कार्टन में आया है, आप देख सकते हो। मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया है, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कभी वीडियो शूट करूँगी तब मैं ये और अनबॉक्स करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्स करना। जैसे स्किन केयर के लिए मैं कहूँगी कि आपको हमेशा अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए एक एज के बाद। इनिशियली तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम अपने 30s में होते हैं, बट आफ्टर 30 थोड़ा आपको स्किन केयर और स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए फॉर गुड एंड हेल्दी स्किन। तो पहले मैं इतना केयर नहीं करती थी, बट हाँ अब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान देना चाहिए। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है इसकी, इसे खोलने में मुझे टाइम लग रहा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने इनके साइट से ही कुछ और लाइक साइट से नहीं, या फिर मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिंत्रा से मंगाया था, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने एक छोटा सा सैंपल गिफ्ट किया था। तो फिर मैंने इनकी साइट से ये ऑर्डर किया था। इसका नाइट क्रीम भी मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, मतलब इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल ड्राई नहीं फील होगा। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, जैसे मैं कहूँगी कामा आयुर्वेदा का भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, बट उसके फ्रेग्रेंस मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। जैसे तो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा लगता है, मतलब लगाने के बाद आपको इसकी तरह फील नहीं होता। हाँ तो चलो, इसके साथ एक थैंक यू कार्ड आया मुझे, और ये सारे प्रोडक्ट का बिल है, ये सारा मुझे 2882 रुपीज़ का पड़ा है। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया है, जैसे इस फॉर्म में मुझे मिला है। तो ये है रेडियंस ब्यूटी बूस्टिंग फेस एक्सेलर, फेस ऑयल है ये फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये 50 ml है। इसके अंदर सारे स्पेशलिटीज इनकी है, ब्राइटनेस एंड इवन टोन स्किन, रिड्यूस मार्क्स, स्मूदनर रिंकल एंड फाइन लाइंस, प्रमोट स्किन रेडिएशन एंड सेल रिन्यूअल, ड्यूई एंड ग्लोई कॉम्प्लेक्शंस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसकी ये पैकेज देख सकते हो, ये इस तरह का है। और ये दूसरा इसका ये नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम भी मैंने इसका यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, और ये प्रोडक्ट मुझे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। ये क्या है, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मल्टीपर्पज़ जेल फॉर स्किन एंड हेयर। ओके, ये स्किन में भी यूज़ कर सकते हो और हेयर में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले ये वाला देखती हूँ, ये वाला जो सीरम है, ये ऑयल है, फेस ऑयल, ये बहुत ही अच्छा है। तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई है, इस तरह के बॉक्स में आया है, देख सकते हो। वाह, ये थोड़ा सा लीक कर रहा है शायद, इसका ऑयल बाहर आ रखा है, तो देखो। और इसे ऐसे पंप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, जो इस तरह से पंप करके लेना है वो नहीं ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ करने का है। तो ये थोड़ा सा इसका ऑयल बाहर आ रहा है, तो मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ।
जैसे आप इसका बहुत ही कम अमाउंट लोगे तो भी ये काफ़ी अच्छा वो देता है, कवरेज देता है, देखो बिल्कुल ऑयल जैसा ही है इस तरीके से। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया था इसका। और इसका ये नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम मैं देखते हैं खोल के। एक्चुअली इसके रिजल्ट्स मुझे जब मैंने यूज़ किया है इसे, मतलब 10-15 डेज मैंने यूज़ किया था जब मुझे सैम्पल इसका मिला था, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे थे। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं इससे पहले कामाया वेदा का यूज़ करती थी और उसका प्रोडक्ट वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, उसके नाइट क्रीम भी 3000+ आता है 50 ग्राम का, और ये मुझे 2800 में इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी और प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो फिर मैंने ये लेना ज़्यादा वो समझा। देखो ये इस तरह के आता है, जिस तरह से एक छोटा सा स्पैचुला है, वाह। और ये काफ़ी हैवी है, मेटल का है शायद, हाँ अच्छा है। और ये इस तरह से है, इसकी MRP इसमें तो लिखी हुई है 2890 रुपीज़, बट इसमें ऑफ़र चलते रहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री हो चलता आता रहता है ऑफ़र। अगर आपको ये लेना है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, जब ये ऑफ़र आए तब आप ये ग्रैब कर सकते हो, देख सकते हो। आओ इस तरह के का है, ये 50 ग्राम का है, और ये देखो आप इससे स्पैचुला से ऐसे लेके, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है, और इसका टेक्सचर इस तरह के का है, ये काफ़ी अच्छा स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है। और इसकी ये प्लस पॉइंट है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये, मतलब आपको चेहरे में लगाने के बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत फील नहीं होगी, काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये आपके चेहरे पे, और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने जैसे और भी मैंने बताया मैंने यूज़ किया हुआ है, बट ये वाला भी बहुत अच्छा है, आप इसको अपने नाइट क्रीम में यूज़ कर सकते हो एक ट्रायल के लिए। फिर ये लास्ट वाला हम ओपन करते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी, दिस इज़ अल्ट्रा हाइड्रेशन मल्टीपर्पज जेल फॉर स्किन एंड हेयर, एलोवेरा कोकोनट वाटर एंड रोज़, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, अब देखना पड़ेगा। वाह इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, इसे तो मैं चेहरे में ही लगाऊंगी, आप देख सकते हो इसका कितना क्लियर टेक्स्चर है, ये एलोवेरा जेल कोकोनट वाटर एंड रोज़ है इसके अंदर, देख सकते हो इसका ऐसा ये टेक्सचर है, ऐसा एलोवेरा जेल जैसा ही है एक्चुअली तो। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो देख सकते हो ये स्किन में इस तरह से ये टेक्सचर है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और काफ़ी अच्छे से लग जा रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो ये था मेरा रस लग्जरी का स्किन केयर का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।